हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोज लर्निंग। दिस इज़ अगेन अनुष्का राजपूत हियर। सो हम पढ़ रहे थे फ्रैक्चर की मैनेजमेंट, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। फ्रैक्चर की मैनेजमेंट में जो नेक्स्ट मैनेजमेंट है हमारे पास वो है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में जो फर्स्ट टाइप की मैनेजमेंट हम कर रहे हैं वो है रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन है क्या, हम अनाटॉमिकली जो बोन है उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन में लेके आते हैं, जो कि अपनी अलाइनमेंट से क्या है बाहर चली जाएगी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग ऑफ बोन टू इट्स नॉर्मल अनाटॉमिकल कंडीशन, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बोन है उसको हम उसकी नॉर्मल अनाटॉमिकल पोजिशन में लेके आते हैं, ठीक है। टू टाइप से होता है, फर्स्ट है ओपन रिडक्शन, दूसरा है क्लोज रिडक्शन। ओपन रिडक्शन में हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करेंगे ओटी में जाके, ठीक है, बोन को क्या है ओपन करेंगे। रिडक्शन इज डन बाय सर्जिकली इन ओटी, बोन को ओपन करेंगे, खुद अपनी नेक आंखों से डॉक्टर देखेगा और उसको नॉर्मल अलाइनमेंट में क्या है लेके आएगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन का क्या मतलब है कि नॉन सर्जिकल मेथड से जो डॉक्टर है बोन को क्या है एक बराबर अलाइनमेंट में लेके आ रहा है, और ये कंफर्म करने के लिए कि वो नॉर्मल अलाइनमेंट में आई है कि नहीं आई है, उसके लिए हम क्या बाद में पेशेंट का क्या करवाएंगे, एक्सरे, ठीक है, उसकी नॉर्मल अलाइनमेंट को देखने के लिए, ये है रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिक्सेशन। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या है, प्रोसेस है फिक्स करने का, जो हमने बोन रिडक्शन के मेथड से रिड्यूस की थी, अब उस बोन को हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, उस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, फिक्सेशन। फिक्सेशन जो होता है वो भी टू टाइप से होता है, फर्स्ट है हमारे पास इंटरनल फिक्सेशन और दूसरा है एक्सटर्नल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन का क्या मतलब है, हम रिड्यूस की हुई एक्सट्रीमिटी को फिक्स करेंगे कोई भी रॉड प्लेट स्क्रू लगा कर, ठीक है, बोन को क्या फिक्स करेंगे एक बराबर अलाइनमेंट पे। और जो एक्सटर्नल फिक्सेशन है उसका क्या मतलब है, रिड्यूस एक्सट्रीमिटी को फिक्स करेंगे बट बाहर से, ठीक है, हम ओपन नहीं करेंगे, स्किन में कोई ट्रैक्शन लगा रहे हैं, कास्ट लगा रहे हैं, वो क्या है एक्सटर्नल फिक्सेशन की क्या एग्जांपल है। तो ये था हमारे पास फिक्सेशन। नेक्स्ट है हमारे पास अदर सर्जरीज। अदर सर्जरीज में फर्स्ट है हमारे पास हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, ठीक है। हेमी आर्थ्रोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, एक जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, ठीक है, जॉइंट का, उसको क्या रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगर आधा रिपेयर कर रहे हैं हम जॉइंट को, तो उसको हम उस सर्जरी को हम बोल रहे हैं हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, ठीक है। और अगर पूरा रिपेयर कर रहे हैं दोनों आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस, आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होता है जहाँ पे दोनों बोन जोड़ती है ना, तो दोनों आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस को अगर हम ज्वाइंट रिपेयर कर रहे हैं, उस सर्जरी को हम बोलते हैं टोटल ज्वाइंट रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। दो टाइप की सर्जरी है जो हम क्या पेशेंट में परफॉर्म करते हैं, अदर देन ओ आर आई एफ, ठीक है, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन के अलावा। और पोजीशन सर्जरी के बाद हमने क्या पेशेंट को न्यूट्रल पोजीशन में रखना होता है, सेंटर में प्लेस करना होता है, उसकी जो लेग्स हैं उनको एबडक्टेड रखना होता है, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री के एंगल पे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ, अगर वो ज़्यादा एंगल पे चली गई, हमने एक आर्टिफिशियल क्या है जॉइंट वहाँ पे लगाया है, तो उसकी क्या इंटरनल रोटेशन होने का डर रहता है, ठीक है। तो जो नी रिप्लेसमेंट हमने की है वो क्या अपनी जगह से क्या है मूव हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी, तो खराब हो जाएगा, तो ऐसा क्या है अवॉइड करना है। और भी नेक्स्ट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हम पेशेंट की अगर सर्जरी हुई है, टोटल नी रिप्लेसमेंट हुई है, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी हुई है, तो पेशेंट को बोलना है कि उसने अवॉइड करनी है ऑर्थोपेडिक पोजीशन या फिर लो सिटिंग चेयर पोजीशन। इससे क्या होगा, जो फ्लेक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी। अगर फ्लेक्शन 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी, स्ट्रेन पड़ेगा ऑपरेटिव साइड से, जो हमने प्रोस्थेसिस लगाया है वहाँ पे, वो क्या है डिसलोकेट हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वो डिसलोकेशन हो सकती है, इसलिए क्या है अवॉइड करनी है उसको, क्या है ऑर्थोपेडिक सिटिंग चेयर पोजीशन और लेग क्रॉसिंग पोजीशन, ये सारी पोजीशन क्या है अवॉइड करनी है उसने, ताकि जो प्रोस्थेसिस है उसकी क्या डिसलोकेशन ना हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन फ्रैक्चर की, उसके बाद क्या फ्रैक्चर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। उसमें फर्स्ट जो हम यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है फैट एम्बोलिज्म, ठीक है। एम्बोलिज्म जो शब्द है उसका क्या मतलब है,
कि कोई भी क्लॉट है, चाहे कोई भी मटेरियल, किसी सी मटेरियल से बनी हुई चीज है, एम्बुलाई, ठीक है, जो फ्रीली मूव करता है सर्कुलेशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बोलिज्म, ठीक है, चाहे ब्लड का हो, चाहे फैट का हो, ठीक है, कोई ग्लोब्यूल हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर एम्बुलाई जो हमारा बना हुआ है फैट से बना हुआ है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं फैट एम्बोलिज्म, ठीक है। क्या है, मूवेबल फ्लैट ग्लोब्यूल डिसलोकेटेड एंड गेट ट्रैप्ड इन पल्मोनरी ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। जैसे ही लॉन्ग बोन टूटेगी, उसमें जो फैट थी है ना लॉन्ग बोन में, वहां से जो ग्लोब्यूल है वो क्या है, टूट के आ जाएगा हमारी सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन से क्या हो, मूव करता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में, और वहां की जो कैपिलरीज है वो नैरो होती है, वहां पे जाके क्या करेगा, उनको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ट्रैप कर देगा, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, 18 से 24 घंटे के बाद होता है फ्रैक्चर के, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है कि इसमें होने के चांसेस हैं। और जो मोस्टली जो लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर्स हैं हमारे, उनमें क्या है, ऐसा देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास अब क्या आएंगे, ठीक है, हाइपोटेंशन हो रहा है, हाइपोटेंशन क्यों हो रहा है, ठीक है, ये हमारी एल्वोलाई है और यहाँ से जा रही है हमारी कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैट का जो ग्लोब्यूल है हमारे पास क्या है, ट्रैप हो जाए, तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो क्या आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है, आगे क्या ब्लड कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी अल्टीमेटली कम जाएगा, ठीक है। जब बॉडी में ब्लड कम जा रहा है तो क्या है, पेशेंट का बीपी क्या कम होगा, हाइपोटेंशन होगा उसको, टैकीकार्डिया क्यों होगा, बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है, डिमांड करेगी भाई मुझे तो ब्लड चाहिए, तो हार्ट क्या और ज़्यादा पंप करने की कोशिश करेगा ताकि जो नीड है फुलफिल हो सके, तो इसलिए पेशेंट को क्या होगा, टैकीकार्डिया। चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन इसलिए होगा कि ऑक्सीजन सफिशेंट अमाउंट में नहीं मिल रही है सारी बॉडी पार्ट को, तो पेशेंट को क्या है, चेस्ट पेन होगा। डिजनिया होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है प्रॉपर अमाउंट में तो उसको क्या है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। जब न्यूरॉन सेल क्या सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, तो अगर उनको नहीं मिलेगी ऑक्सीजन तो क्या है, ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा पेशेंट का, ठीक है। आगे आएगा टैकीपिनिया, उसका जो ब्रीथ रेट है वो भी क्या इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कोशिश करेगा मोस्ट ऑफ अकोमोडेट करने की बॉडी। और यहाँ से जब बैक फ्लो हो रहा है, तो जो उसकी नेक की वेन है, ठीक है, जुगलर वेन वगैरह है, वो क्या है, हमें डिस्टेंडेड मिलेंगी, ठीक है, डायलेटेड मिलेंगी जो जुगलर वेन है, और क्योंकि यहाँ से क्या है, बैक में चल जाएगा ब्लड, फ्रंट में तो जा नहीं रहा है, तो बैक फ्लो होने की वजह से जो नेक की वेन है वो क्या है, डिस्टेंडेड मिलेगी। नेक्स्ट आगे हमारे पास डायग्नोस हम क्या करेंगे जी, फैट कैटाबॉलिज्म हो गया है तो हम क्या है, पेशेंट को SpO2 लेवल चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, ठीक है, पेशेंट का, और क्या है, उसको एक्सरे करा के देख सकते हैं। जब हम एक्सरे कराएंगे जिस पार्ट में जो फ्लैट फैट का एम्बुलाई का ट्रैप हुआ होगा, वहाँ पे क्या स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस आएगी हमें, जैसे HMOL में आती है OBG में, ठीक है, अल्ट्रासाउंड जब करते हैं बच्चे का, फिटस का, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस हमें क्या है दिखाई देगी फैट के एम्बोलिज्म में। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अगर कोई भी सिम्टम हमें मिलता है जो भी डिस्कस किया, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, टैकीपिनिया, डिजनिया, ठीक है, तो हम क्या इमिडिएटली इन्फॉर्म करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, और ऑक्सीजन क्या इमिडिएटली शुरू कर देंगे, उसके बाद IV फ्लूइड थेरेपी देंगे और एंटीकोगुलेंट थेरेपी देंगे ताकि जो स्टैग्नेंट ब्लड है वो क्या क्लॉट ना हो जाए, और जो फैट का ग्लोब्यूल है वो भी क्या है, क्या हो जाए, एमल्सीफाई हो जाए, ठीक है, या वहाँ से हट जाए। ये सारी थी मैनेजमेंट हमारे पास फैट एम्बोलिज्म की। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट क्या है, ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम है हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन। कंपार्टमेंट क्या है, कोई भी फेशिया है जहां से क्या है, ठीक है, मसल के अंदर हमारे पास क्या है, फेशिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे फिर इसकी फंक्शनल यूनिट है, सार्कोमेयर से प्रेजेंट होते हैं, तो कंपार्टमेंट क्या है, यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है, कोई भी स्पेस है जहाँ से क्या है, आर्टरी, वेन, ठीक है, ये आर्टरी है और वेन है, ये नर्व सप्लाई है, एंटर और एग्जिट करती है, ठीक है, इस पार्ट से। तो फ्रैक्चर होने की वजह से जब ब्लीडिंग होगी, ठीक है, मसल में भी, मसल के पास भी ब्लीडिंग आएगी, तो क्या है, अब फ्रैक्चर की वजह से जब ब्लीडिंग होगी तो जो कंपार्टमेंट है उसमें क्या हो जाएगी, एडिमा हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, उससे क्या होगा, जब एडिमा और स्वेलिंग हो जाएगी इसमें, तो जो ये आर्टरी है, वेन है, नर्व सप्लाई है, ये क्या हो जाएगी, ब्लॉक्ड हो जाएगी। जब ये ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है,
सप्लाई, अब इसकी भी तो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग पावर होगी ना, उससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाएगा, तो इसके रिजिड नेचर की वजह से जब जहाँ जितना ये मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है इसने किया, पर अंदर क्या है वो ब्लड है इकट्ठा हुआ हमारा सारा ना, और उस रिजिड नेचर की वजह से जो फेशिया है वो क्या है और ज़्यादा क्या नहीं मतलब स्ट्रेच कर पाएगा और ब्लॉक कर देगा सप्लाई को। जब सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी हमारी ब्लड इसकी ब्लड सप्लाई वेनस सप्लाई या नर्व सप्लाई बंद हो जाएगी तो न्यूरॉन को भी क्या है कम ब्लड जाएगा, तो उसकी वजह से क्या है जो न्यूरोवास्कुलर स्टेटस है पेशेंट का वो क्या है इम्पेयर्ड हो जाएगा, और जब न्यूरोवास्कुलर स्टेटस इम्पेयर्ड हो जाएगा तो पेशेंट को क्या होगा कंपार्टमेंट सिंड्रोम, धीरे धीरे क्या है मूव करता जाएगा एक मसल से दूसरे मसल, पहले एक में हुआ फिर दूसरे पे होगा जो भी ब्लीडिंग साइट है, ठीक है, धीरे धीरे क्या न्यूरोवास्कुलर स्टेटस वहाँ का क्या है पेशेंट का क्या है इम्पेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सारा ब्लड कहाँ चल जा रहा है फेशिया के अंदर चल जा रहा है, ठीक है, और पेशेंट अब पेशेंट में क्या डेवलप हो रहा है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इस कंडीशन को हम बोलेंगे कंपार्टमेंट सिंड्रोम। नेक्स्ट इसके देखते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट है हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम जब हो गया तो पेशेंट में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, तो जो फर्स्ट साइन है इसका वो है पैरेस्थीसिया, पेशेंट में नंबनेस टिंगलिंग सेंसेशन ऐसा उसको महसूस होगा, भारीपन लगेगा उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, ठीक है, तो पेशेंट में फर्स्ट सिम्टम क्या फर्स्ट साइन क्या आएगा हमारे पास पैरेस्थीसिया, और हमने क्या चेक करना 6 P's के लिए जो हमने पहले भी पढ़े थे, पल्सलेसनेस, पेलर, पेन, पॉपिलोथर्मिया, ठीक है, जो भी अदर्स हैं वो सारे के 6 के 6 P's हमें पेशेंट के क्या असेस करना है, अगर हमें लगता है कि उनमें से कोई भी प्रेजेंट है तो हमने क्या इमिडिएटली इन्फॉर्म करना है पेशेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, क्योंकि ये क्या है एक इमरजेंसी है, और जो पेशेंट का न्यूरोवास्कुलर स्टेटस है वो क्या इम्पेयर्ड हो रहा है, क्या उसके साइंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे पास मैनेजमेंट, अब क्या करेंगे, ठीक है, हमें पेशेंट का पता चल गया कि उसको क्या हो गया कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया है, तो जो यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हुआ था, ठीक है, वहाँ इस सारे बॉडी पार्ट्स में क्या ब्लीडिंग हो रही थी और एक फेशिया क्या स्वेल हो गया था इसको एब्जॉर्ब करके, तो हम करेंगे फेशियोटमी, इसको कट करेंगे हम यहाँ से ताकि जो ब्लड है यहाँ से क्या है बाहर ड्रेन आउट हो जाए, उसको उस प्रोसेस उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं फेशियोटमी, ठीक है। एंड ओपनिंग इज मेड इन कंपार्टमेंट टू रिलीव द सिम्टम, ठीक है, ओपनिंग बनाएंगे हम कंपार्टमेंट में जहाँ पे डेवलप हो रहा है ताकि जो पेशेंट में सिम्टम्स आ रहे हो क्या है रिलीफ हो सके। हम फेशियोटमी कब परफॉर्म करते हैं, जब हमारे पास जो कंपार्टमेंट का जो प्रेशर है वो क्या 30 mmHg से क्या ज़्यादा हो तब हम क्या परफॉर्म करेंगे पेशेंट में फेशियोटमी, और इसमें एक नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जब भी हमने फेशियोटमी परफॉर्म की है पेशेंट में हमने क्या उसको कभी भी सूचर नहीं करना है फेशियोटमी की, फेशियोटमी को क्या हम अगेन डेली ड्रेसिंग केयर करते हैं, अगर हम उसको दोबारा सूचर कर देंगे तो दोबारा से क्या है ब्लीडिंग होगी तो प्रेशर डेवलप होगा, तो दोबारा से क्या है वही सेम न्यूरोवास्कुलर जो इम्पेयरमेंट है उसमें उसका होने का चांसेस है पेशेंट में, ठीक है, दोबारा से क्या हो जाएगा कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, इसलिए जब भी फेशियोटमी की है तो क्या है उसको सूचर नहीं करना है। तो ये था हमारा अब तक का फ्रैक्चर, इसकी कॉम्प्लिकेशन के साथ ये क्या हो गया कंप्लीट, और नेक्स्ट हमारे थोड़े से डिसऑर्डर रह गए स्केलेटन सिस्टम के, उसके बाद क्या स्केलेटन सिस्टम हमारा क्या है ख़त्म हो जाएगा, तो आई होप कि आप क्या सारी वीडियोस को देख रहे हैं और साथ साथ में क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।